हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ यूपी SSSC का जो इंटरव्यू चल रहा है, सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षक का, जो कि 12 नवंबर के दिन हुआ है जो इंटरव्यू, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है गरीबी आय गरीबी सॉरी गरीब लोग अपनी आय में बचत कैसे करते हैं। तो गरीब लोग अपनी आय में बचत कैसे करते हैं, तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से को बचा करके गरीब लोग अपनी आय में बचत करते हैं। इसके बाद पूछा गया है मुद्रा संकुचन का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो मुद्रा संकुचन का महत्वपूर्ण कारण माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में कमी है से है, और ये इसका महत्वपूर्ण कारण है। और इसके बाद देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है। तो राजकोषीय घाटा से क्या तात्पर्य है, बजटी घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व राजकोषीय घाटा कहलाता है। और इसके बाद देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आप लोगों को ये मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका आप लोगों को PDF चाहिए इंटरव्यू का, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आप लोगों को इसके लिए कुछ पैसे पे करने होंगे तब आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, योजना काल के समय राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक रहा है। तो कृषि का योगदान सबसे अधिक रहा है। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जा चुका है और कई बार रिपीटेड भी किया है ये क्वेश्चन, और ये पूछा गया है GUI का फुल फॉर्म बताओ। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि आप लोग मेरे सारे वीडियो देखें, मैंने जितने भी वीडियो डाला है अब तक इंटरव्यू का, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का हो या फिर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर का हो, तो वो सब वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड किया जा रहा है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूट जाए, इसलिए आप ज़रूर सारे वीडियो एक बार ज़रूर देखें। और इसके बाद देखिए, पूछा गया है असेंबली भाषा क्या है। तो असेंबली भाषा बाइनरी नंबर में मशीन लैंग्वेज के द्वारा अल्फ़ाबेट कोड को बदलने वाली भाषा है, जिसे असेंबली भाषा कहते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि बाइनरी नंबर में क्या क्या आता है, तो बाइनरी नंबर में एक और जीरो होता है, ये दो अंक होता है जो कि बाइनरी नंबर कहलाता है। इसके बाद देखिए आगे जो पूछा गया है क्वेश्चन, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं, और साथ ही साथ आप लोग लाइक भी करते चलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे वीडियो को प्रमोट मिलता है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। और ये देखिए, पूछा गया है मैथ से 56 का 3% कितना होगा। तो 56 का 3% आप लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे, शायद इतना होगा 1.68%, और इसके बाद देखिए जो पूछा गया क्वेश्चन वो है, मासिक कथा साहित्य घटा का प्रकाशन कहाँ से होता है। तो ये मासिक कथा साहित्य घटा का प्रकाशन कहाँ से होता है, आगरा से होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है वो है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 कृतियों के नाम बताओ। तो जयशंकर प्रसाद के 3 कृतियाँ कौन कौन सी हैं, वो है कामायनी है, इरावती है और ध्रुव स्वामिनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो सोन नदी का उद्गम जो हुआ है सेसाकुंड से हुआ है, जो कि अमरकंठ की पहाड़ियों से हुआ है। और आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश से, पूछा गया है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है, इसे याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। और इसके बाद देखिए, अगला है क्वेश्चन जो है वो, उत्तर प्रदेश में मक्का किस महीने में बोया जाता है। तो मई और जून में बोया जाता है मक्का, और तथा अगस्त और सितंबर में काट दिया जाता है। और इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, संवैधानिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर किसका अधिकार होता है। तो संवैधानिक स्थिति के अनुसार मुख्य रूप से खनिजों पर किसका अधिकार होता है, तो राज्य सरकार का होता है।
इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो है वह है पाल एलन एवं बिल गेट्स। तो पाल एलन एवं बिल गेट्स ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। वैसे चर्चित नाम आप लोग बिल गेट्स ही सुने होंगे, लेकिन पाल एलन भी उनके साथ में उनके सहयोगी थे, इसलिए दोनों को ही माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक माना जाता है। और इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया वो हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो हरित बाली रोग जो है वो बाजरा से संबंधित है। इसके बाद पूछा गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किस राज्य की घरेलू उत्पाद विकास दर सर्वाधिक रही है। तो वो बिहार की सर्वाधिक रही है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है पूछा गया वो है प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ईडी के प्रमुख संजय मित्रा को नियुक्त किया गया है। इसके बाद देखिए पूछा गया है जो क्वेश्चन वो मैथ का है, वो 25/35 का मध्यानुपाती बताओ। तो इसे आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आंसर आ रहा है इसका, और 12 का घन कितना होता है तो 12 का क्यूब भी आप लोग करके बताइएगा। और कुछ क्वेश्चंस लाभ हानि से भी पूछा गया है, आप लोग लाभ हानि से भी प्रश्न देख लें, और साथ ही साथ चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये सब आप लोग मैथ का क्वेश्चन जरूर देखें क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर ये पेन कॉपी मिल रहा है कि नहीं, तो मैं उन लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि कोई भी पेन या पेज आपको नहीं दिया जाएगा, जो कि ये जो भी मैथ का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सिर्फ ऑरल ही आपको जवाब देना है इसके। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है, जानकी रमन नाम की समिति किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। तो ये जानकी रमन नाम की समिति किस उद्देश्य से बनाई गई थी, तो बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु जानकी रमन नाम की समिति बनाई गई थी। और एक चीज़ इसके कुछ क्वेश्चंस और हैं जो छूट गए हैं, उसे मैं अपने अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।